हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद, ए प्रोफेशनल मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा इमीडिएटली इसकी एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, जिससे आपको हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फोन फिक्स HYD का एक फेसबुक पेज है, जहां पे आपको हर रोज यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट का लाइव वीडियो देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारे सॉल्यूशंस जो कि बच्चे हमारे पास से जाकर के काम करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट यहाँ से जाने के बाद काम कर रहे हैं, इन सब के आपको यहाँ पे लाइव यहाँ पे सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ से फॉलो करिए ताकि आपके पास इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, हमारी डुअल डेकर का एक क्लास होता है MMC का, जिसमें हम डुअल डेकर फ्री सिखाते हैं, जिसे यहाँ पे देख सकते हैं CPU और RAM, डबल डेकर CPU जिसे कहा जाता है, A50, M30 वगैरह लेटेस्ट हैंडसेट में आपको OnePlus वगैरह में इस तरह के डबल IC देखने को मिलेगा, जिसमें CPU के ऊपर RAM लगा होता है। तो इसकी एक क्लास फ्री हम देते हैं, जिसका फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे 10 दिन का क्लास होता है, जिसमें हम ओनली 20,000 फीस है, और इसमें रहने के लिए रूम फ्री होता है आपको, और DSO की ट्रेनिंग फ्री इसके साथ देते हैं, और बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा एक्स्ट्रा, बहुत कुछ हम एक्स्ट्रा इसमें देते हैं। अगर आपके पास MMC का काम आता है या आपको CPU वगैरह रिबॉलिंग करने नहीं आ रहा है तो ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ MMC और डुअल डेकर CPU का क्लास सीखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारा जो फुल कंप्लीट कोर्स है एंड्रॉइड का, जिसके अंदर हम यहाँ पे आपको सर्किट नॉलेज के साथ साथ IC लेवल पे काम सिखाते हैं, जिसमें फॉल्ट फाइंडिंग और डायग्नोस मेथड भी होता है, ये क्लास ज्वाइन करना है। हर महीना 27 तारीख से होती है, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप करिए, डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, डिटेल ले लीजिए अगर आपको एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन अगर बनना है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक A3S का मॉडल मैंने यहाँ पे लेके रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं 1803 जिसे हम कहते हैं। तो इसमें जो लाइट IC है फ्रेंड्स, जो के 12 बॉल की IC है, जिसको हम D8 कहते हैं, और यहाँ पे अगर नंबर अगर आप देखेंगे तो LM3697YFRQ, ये एक इसका नंबर है। D8 IC है, लाइट के लिए होती है ये, जिसके अंदर 12 बॉल होते हैं। तो आज इसका मैं फुल्ली एक्सप्लेन करने वाला हूं, और इसका मैंने यहाँ पे डाटा शीट बना के रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपको अगर सीखना है किस तरह से ये डाटा बनाना है, एक एक बॉल की डिटेलिंग अगर आपको सीखनी है, ज्वाइन कर लीजिए फोन फिक्स हैदराबाद, और एक नॉर्मल टेक्नीशियन नहीं फ्रेंड्स, एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनिए, जिसके पास कोई भी सेट आता है तो उसके पास से वो सेट बनकर ही जाना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको ये सब बॉलिंग की अगर जानकारी नहीं है किस तरह से ये सारे बॉल को चेक करना है, कहां पे I2C प्रोटोकॉल यहां पे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कहां पे इनेबल सिग्नल आ रहा है, कहां पे इसके हार्डवेयर को इनेबल किया जा रहा है, कहां पे VPS वोल्टेज इन हो रहा है, कहां पे ग्राउंड हो रहा है, कहां पे PWM जहां पे पल्स आते हैं विथ मॉड्यूल, तो ये कैसे चेक करना है आपको, अगर ये नहीं आएगा, अगर आप IC पे IC बदल रहे हैं फिर भी आपका लाइट नहीं आ रहा है, तो ये सब आपको चेक करना होता है। वोल्टेज भी बन जाएगा आपका लेकिन फिर भी लाइट नहीं जलेगी। तो फ्रेंड्स, यहां पे आपको एक एक बॉल की जानकारी चाहिए, तभी जाकर के आप एक अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा क्लास के अंदर, हर रोज यहाँ पे सर्किट नॉलेज के साथ साथ हैंड स्किल का काम होता है। 2 से 3 घंटा हम डायग्राम की नॉलेज देते हैं, सर्किट की नॉलेज देते हैं, एक एक ICU के अंदर बॉल की डिटेलिंग आपको बताते हैं, इसके बाद हम IC लगाना निकालना भी आपको साथ ही साथ सिखाते हैं। तो जुड़ जाइए फोन फिक्स हैदराबाद टीम के साथ। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते हैं, शुरू करते हैं हम इस IC की डिटेलिंग के बारे में। तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं 12 बॉल का ये IC है, जहां पे मैंने यहाँ पे एक एक सप्लाई को मैंने यहाँ पे बताया है कि कहां से कहां तक इसका आपको ट्रेसिंग करनी है, क्या करनी है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डायग्राम जो है यहाँ पे है, जैसे मैंने बनाया इस डायग्राम के थ्रू। तो फ्रेंड, सबसे पहले इस IC में अगर हम देखेंगे तो ये IC जो है लाइट IC U2304, जो कि डायग्राम में अगर हम ढूंढेंगे U2304 करके हम लेआउट में ढूंढेंगे, तो यहाँ पे लेआउट में आप देख सकते हैं ये IC जो लग के है यहाँ पे इस वाले शील्ड के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी PCB में, और CPU वगैरह यहीं पे CPU के साइड में आपको देखने को मिल जाएगी।
तो यहां पे आप देख सकते हैं एक U2304 एक छोटा सा ग्लास आईसी होता है जो कि D8 करके नाम इसका ऊपर लिखा रहेगा, या तो फिर नाम नहीं भी रहेगा तो अंदर आपको 12 बॉल देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड इस आईसी में सबसे पहले जो सप्लाई इन होती है उसको हम बोलते हैं VPH पावर, जिसके बारे में मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था VPH पावर क्या होता है, कहां कहां जाता है। तो आज मैं यहां पे लाइव प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं कि VPH पावर को कैसे चेक करना है। तो VPH पावर जो होता है फ्रेंड्स, ये हमारा बैटरी का वोल्टेज होता है जो कि डीसी टू डीसी से कन्वर्ट होकर के यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे जो वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा अप्रोक्सिमेटली 3.6 से 4.2 के आसपास यहां पे वोल्टेज देखने को मिलेगा, जो कि इस आईसी में एक नॉर्मल कॉइल के थ्रू जा रहा है। और इस कॉइल का अगर नंबर अगर आप देखेंगे तो L2302, जो कि मैं यहां पे लेआउट में बता दूंगा। यहां पे आप देख सकते हैं आईसी के जस्ट ऊपर यहां पे लेफ्ट साइड में L2302 ये कॉइल है, और इस कॉइल के बाद फ्रेंड्स ये लाइन सीरीज में ये कॉइल लग के है, यहां से वोल्टेज इन होगा और कॉइल के थ्रू यहां से आउट होगा। जैसे ही आउट होगा तो यहां पे एक कैपेसिटर यहां पे है 6.3 वोल्ट का, जहां पे आपको C2309 इसका नंबर लिख के यहां पे। तो चलिए यहां पे देखते हैं C2309 आईसी के जस्ट बाजू में। तो फ्रेंड ये जो VPH वोल्टेज है इस कॉइल में यहां से इन होगा, उसके बाद इस कैपेसिटर से होकर के आईसी में चला जाएगा। तो आईसी में जाएगा तो फ्रेंड्स कहां पे जाएगा चलिए देखते हैं। देखिए कैपेसिटर के बाद में ये सीधा B3 नंबर में इन हो रहा है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। तो यही मैंने डायग्राम में भी बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं डीसी टू डीसी से ये वोल्टेज सीधा VPH इन B3 में यहां पे इन हो रहा है, जहां पे हम VPH पावर भी लिखते हैं या तो फिर VPH इन बोल के लिखते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज इन हो रहा है इस आईसी में। उसके बाद फ्रेंड ये जैसे ही इस आईसी से आउट होगा तो बाहर आपको एक बूस्ट कॉइल मिलेगा। चलिए मैं डायग्राम में भी बता देता हूं। देखिए वापस से यहां से यही वोल्टेज एक बूस्ट कॉइल के थ्रू जो कि L2303 एक कॉइल है, इसके बाद यही D3 के अंदर चला जाएगा। यहां पे मैंने डायग्राम में भी बनाया, जैसा कि देख सकते हैं यहां से वोल्टेज निकला और यहां पे बूस्ट कॉइल के थ्रू D3 के अंदर ये इन हो गया। अगर मैं आपको यहां पे अगर बताना चाहूं फ्रेंड्स ये कॉइल कहां पे है L2303, तो यहां पे आके देख सकते हैं ये जस्ट आईसी के लाइट आईसी के जस्ट ऊपर आपको एक बूस्ट कॉइल मिलेगा बड़ा सा, जहां पे L2303 यहां पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यही सप्लाई आईसी के अंदर D3 नंबर बॉल में इन हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे D3 पर होंगी स्विचिंग, यहां पे आपको LX देखने को मिलेगा या तो SW लिखा हुआ यहां मिलेगा, जहां पे यहां बनती है आपकी स्विचिंग, यहां पे होती है। स्विचिंग होने के बाद यहीं से ये वोल्टेज बूस्ट होगा और डायोड का जो कैथोड का सिरा यहां से ये वोल्टेज इन होगा, और ये डायोड यहां पे आपको सीरीज में देखने को मिलेगा डायोड के कैथोड सिरे पे कैथोड सिरे पे, जो कि यहां पे आपको बूस्ट वोल्टेज देखने को मिलेगा, जहां पे आपको मिल जाएगा 16 से लेकर 40 के आसपास। तो ये 4 वोल्ट आपको डायोड से पहले पहले तक मिलेगा, लेकिन जो बूस्ट वोल्टेज है फ्रेंड्स हमारा यहां पे मिलेगा डायोड के कैथोड सिरे पे, और यही लाइन आपकी D2 के साथ जुड़ जाएगी, जिसको हम फीडबैक पिन बोलते हैं, जहां पे OVP आपको यहां लिखा मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड जब ये बूस्ट वोल्टेज बन जाता है तो आईसी को वापस कंफर्म करना होता है कि बूस्ट वोल्टेज बना है कि नहीं बना है। उसके बाद फ्रेंड यहां पे आपको आगे जाने के बाद में एक लोड कैप मिलेगा, जो कि 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर है, जो कि C2311 नंबर का एक कैप है, जो कि आपको यहां पे बोर्ड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक नॉर्मल कॉइल के थ्रू फिर वापस से एक बूस्ट, एक वापस से एक कैप है। उसके बाद ये जो लाइन हमारी है फ्रेंड्स एलईडी प्लस, जिसको हम एनोड की सप्लाई बोलते हैं, यहां पे मैंने बना के रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं डायोड के कैथोड सिरा हमारा वापस से ओवीपी के साथ जुड़ के है, यानी फीडबैक के लिए D2 के साथ जुड़ के है। वापस यहां पे एक लोड कैप मिलेगा 50 वोल्ट का। उसके बाद यही लाइन आपकी बन जाती है एलईडी एनोड, जिसको हम एलईडी प्लस भी बोलते हैं, जहां पे आपको बूस्ट वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यही लाइन को बनाना है, ये लाइन को चेक करना है कि 4 वोल्टेज आ रहे कि नहीं आ रहे। इसके बाद फ्रेंड जहां पे एनोड की लाइन मिल जाती है तो वहां पे कैथोड भी चाहिए, क्योंकि माइनस होना बहुत जरूरी है। तो कैथोड के लिए इस आईसी से इस डिस्प्ले में जो यूज किया गया है, 2 कैथोड के पिन आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम कैथोड 1 और कैथोड 2 बोलेंगे। यहां पे कैथोड 1 जो है फ्रेंड्स B1, यहां पे आप देख सकते हैं कैथोड 1 है, और C1 जो है हमारा ये कैथोड 2 है। दोनों के दोनों डिस्प्ले कनेक्टर तक आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां पे मैं डायग्राम में भी आपको बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं कैथोड 1 जो है आपका
बी वन में है और कैथोड टू, इसको एलईडी हम माइनस बोलते हैं टू, ये सी वन में, बी वन और सी वन हमारा कैथोड वन और कैथोड टू है, जो कि डायग्राम में भी मैंने यहाँ पे बना के रखा है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें चाहिए होता है एक पल्स विद मॉड्यूल की लाइन, जो कि ए वन से निकल के सीधा ब्लू कलर की लाइन आप देख सकते हैं डिस्प्ले कनेक्टर तक जाती है। अगर ये लाइन मिस हो जाए आपका लाइट नहीं जलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये लाइन जो होती है पल्स वाली लाइन होती है, जिसमें आपको डीएसओ से सिग्नल चेक करने होते हैं, पल्स चेक करने होते हैं कि ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। यहाँ पे आपको पीडब्ल्यूएम देखने को मिलेगा, या तो कभी आपको सीएबीसी देखने को मिलेगा। पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स पल्स विद मॉड्यूलेशन, या फिर आपको देखने को मिलेगा सीएबीसी, जिसे हम कंटेंट एडेप्टर ब्राइटनेस कंट्रोल कहते हैं। तो ये लाइन भी आपकी कनेक्टर के साथ ट्रैक, इसकी ए वन के साथ ट्रैक पूरी जुड़ी होनी चाहिए, तभी जाकर के ये ऐसी काम करेगा। इसके अलावा फ्रेंड यही लाइन ए वन में मैंने जैसे यहाँ पे पीडब्ल्यूएम लिखा है, मैं डायग्राम में भी बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए वन में जो कि पीडब्ल्यूएम यहाँ पे लिखे है, और ये लाइन फ्रेंड अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपकी सीधा कनेक्टर तक जाती है, कनेक्टर तक कनेक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे इस आईसी को वर्क कराने के लिए I2C प्रोटोकॉल का यूज किया गया है। इस आईसी को सीपीयू से कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए दो सप्लाई लाइन का यूज किया गया है, जिसे हम कहते हैं SDA, जिसको सीरियल डाटा हम कहते हैं, जहां से डाटा इन होता है और यहीं से वापस से सीपीयू तक ये कम्युनिकेशन होता है, वापस ये डाटा इसी लाइन से जाता है। इसके अलावा फ्रेंड एक और लाइन है B2, जिसमें हम SCL लिखे हैं, जिसको कहते हैं सीरियल क्लॉक। यहाँ पे सीपीयू से क्लॉक की जो पल्स होते हैं, जो टाइमिंग होती है आईसी के लिए, यहाँ पे इसके साथ एक लाइन जुड़ी होती है। तो ये दो लाइन को मिलाकर हम कहते हैं I2C प्रोटोकॉल। अगर इसके बारे में जानना है नीचे कमेंट करिए, इसके ऊपर भी मैं एक बहुत ही अच्छा डिटेल वीडियो जरूर बना दूंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स इस आईसी के अंदर A3 में यहाँ पे HWEN लिखे हैं। इस आईसी का जो हार्डवेयर सेक्शन को इनेबल करना होता है, उसके लिए एक सीपीयू से लाइन आती है, जो कि A3 नंबर बॉल पे आती है, जो कि सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती है। अगर मैं यही चीज यहाँ पे बताना चाहूं आपको, ये देख सकते हैं आईसी के अंदर A3 नंबर बॉल में यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्डवेयर इनेबल, जो कि सीधा अगर आप इसको सर्च करेंगे तो ये सीधा आपकी सीपीयू से ये लाइन यहाँ पे आती है। तो आप देख सकते हैं मैंने आईसी के यहाँ पे डाटा शीट बना ली है, और C2 C3 दो पिन इसमें ग्राउंड होते हैं फ्रेंड्स। तो ये 12 बॉल का आईसी मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। दोस्तों लाइट सेक्शन में समझने के लिए, चेक करने के लिए बहुत कुछ होता है, स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 10 तक मैं आपको क्लास के अंदर बताऊंगा। और ये एक छोटा सा वीडियो हमारे उन टेक्नीशियन भाइयों के लिए, जिनके पास इस तरह के सेट्स आते हैं, वो आईसी चेंज करते हैं, 2-3 आईसी चेंज कर देते हैं, कॉइल चेंज कर देते हैं, डायोड चेंज कर देते हैं, कैप चेंज कर देते हैं, सीपीयू रिवॉल्व कर देते हैं, DC to DC आईसी चेंज कर देते हैं, कनेक्टर रिप्लेस कर देते हैं, या फिर वो डिस्प्ले दूसरा लगाकर भी देख लेते हैं, फिर भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है फ्रेंड्स, ये आपको सीखना पड़ेगा। ज्वाइन करना होगा फोनफिक्स हैदराबाद हमारी क्लास के अंदर, मैं आपको बताऊंगा एक एक डिटेल, आपको बताऊंगा सर्किट की इंटरनल सर्किट नॉलेज मैं आपको दूंगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से मिनटों में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड्रॉइड का कोई भी आंसर आ जाए फ्रेंड्स, आप उसका लाइट सेक्शन जरूर बना लेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। फोनफिक्स हैदराबाद इंडिया का एक बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है, जहां के बच्चे जाकर के एक एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। हमारे पास सीखने के बाद आपको हैंड स्किल का भी ऐसा नॉलेज दे देंगे, कोई आईसी खोलने से आप कभी डरेंगे नहीं, चाहे वो पेस्टेड हो, ब्लैक पेस्टेड हो, या फिर डबल डेकर हो। साथ ही साथ सर्किट की नॉलेज जब आपको आ जाती है फ्रेंड्स, तो आपको किसी से भी सोल्यूशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कल के दिन कोई नया हैंडसेट आ जाए उसमें भी आप बना सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड हर हैंडसेट में यही 12 बॉल का आईसी आना जरूरी नहीं है, किसी में 6 लेग का यूनिवर्सल आईसी आता है, या किसी में 6 लेग का एक न्यू आईसी आता है लाइट के लिए, या फिर फ्रेंड 9